वेल माई डियर स्टूडेंट्स द कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिक इन हैंड इज शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट टू थाउजेंड एंड टवेल्व तो कोर्स जो है वो लेबर पॉलिसी पाकिस्तान है और अब हम कुछ लॉज को पढ़ रहे हैं और उसमें हम जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट टू थाउजेंड एंड टवेल्व है उसकी जो शॉर्ट टाइटल है एक्सटेंट है एप्लीकेशन है और कमेंसमेंट है उसको देख रहे हैं इस लॉ का जो नाम है उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व तो यह सेक्शन वन जो है यह इसका नाम बता रहा है सेक्शन टू बता रहा है कि ये कहाँ कहाँ लागू है तो सेक्शन टू बता रहा है सब्जेक्ट टू सेक्शन थ्री जब सब्जेक्ट टू सेक्शन थ्री कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो सेक्शन टू का ऑपरेशन है उसमें आपने नजर रखना है कि सब सेक्शन थ्री में क्या लिखा हुआ है। तो इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान सेक्शन थ्री क्या कहता है इट शैल अप्लाई टू ऑल ऑलर्सन एम्प्लॉयड इन एनी एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री इन द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और कैरिंग ऑन बिजनेस इन मोर देन वन प्रोविंस बट शैल नॉट अप्लाई टू एनी पर्सन एम्प्लॉयड ये नीचे लिस्ट आ रही है कि ये जो लिस्ट है इसके ऊपर ये जो लेबर लॉ है आई आर ए टू थाउजेंड ट्वेल्व ये अप्लाई नहीं होगा बाकी सब पे होगा तो ये एक्सक्लूजनस हैं तो बाकी जो है वो जनरल में फॉल कर जाएंगे ये एक्सेप्शन में कर जाएंगे एक्सक्लूजन में फॉल कर जाएंगे आइए कौन से इदारे हैं जिनके ऊपर आई आर ए अप्लाई नहीं होता उसको डिस्कस कर लेते हैं इन द पॉलिस और एनी ऑफ द डिफेंस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान और एनी सर्विसेज और इंस्टॉलेशन एक्सक्लूसिवली कनेक्टेड विद द आर्म्ड फोर्स ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग एन ऑर्ड नंस फैक्ट्री मेनटेन बाई द फेडरल गवर्नमेंट तो इनके ऊपर यह अप्लाई नहीं होगा इनके वर्कर्स को ये कोई राइट नहीं देगा आइए अगला कौन सा इदारा है जिस पर यह अप्लाई नहीं होता इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट अदर दैन दोज इम्प्लॉयड एज वर्कमैन तो इन पर भी अप्लाई नहीं होता नेक्स्ट कौन है कि जिन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता आगे लिखा हुआ है एज अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी स्टाफ स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन और ड्राइंग वेजेस इन पे ग्रुप नॉट लोअर देन ग्रुप फाइव इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट कॉरपोरेशन एज द फेडरल कैबिनेट मे इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ़ द एयरलाइंस बाई नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट स्पेफाई इन दिस बिहाफ तो पाकिस्तान एयरलाइन के वर्कर्स के ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होगा अब और किन के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता कहा लिखा जा रहा है पॉइंट डी में कि बाय द पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन पर भी अप्लाई नहीं होगा और द सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड पर भी अप्लाई नहीं होगा और पॉइंट ई e में कहा जा रहा है हमारे स्टूडेंट के बाय एन स्टेब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट और केयर ऑफ सिक इनफर्म डेस्टिट्यूट और मेंटली अन पर्सन इंक्लूडिंग डोज रन ऑन कमर्शियल बेसिस तो ऐसे लोग जो डेस्टिट्यूट्स हैं जो जेनी तौर पर सिख हैं उन इधारों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा जो कि पब्लिक सेक्टर में होंगे लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो कमर्शियल बेसिस पे चल रहे हैं उन पर अप्लाई हो सकता है अब ये देखना है कि ये कब इन्फोर्स हुआ है तो यहाँ पर लिखा है इट शैल कम इन टू फोर्स एट वंस फॉरन अप्लाई हो जाएगा जब बना है तो इस ज़िम्मन में माइडियर स्टूडेंट्स कुछ समझने की भी ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर क्या ये लगता है या नहीं लगता है क्या इसकी इन्फोर्समेंट है या नहीं है तो बात याद रखने की ये है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो लेबर फोर्स है उसकी परसेंटेज ये है 42.27 परसेंट जो लोग पाकिस्तान के हैं वो लेबर फोर्स में जो मौजूद है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं और ये लेबर फोर्स सर्वे 2014 एंड 15 ने फिगर दी है माय डियर स्टूडेंट्स यू वुड बी एनलाइटन टू नो कि एग्रीकल्चर वर्कर्स आर नाउ फ्री टू ज्वाइन एंड फॉर्म एसोसिएशन के वो एसोसिएशन बना सकते हैं और उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं हाउ एवर दे नॉट कलेक्टिवली बारगेन अंडर द इंडस्ट्री रिलेशन एक्ट टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व एज दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर सेक्टर ये सारी बातें होगी आज एक कोटेशन भी आपके साथ डिस्कस कर लें जो एजुकेशन के मुतलक है तो पर्पज ऑफ एजुकेशन क्या होता है मेरा आपसे सवाल है इस बारे में मुख्तलिफ कोर्ट्स को ढूंढें और पॉन्डर करें डेलिब्रेट करें और डिडक्शन निकालें और रिजल्ट निकालें तो मैं आपके साथ जेन पिगट एक फिलासफर है उसकी कोटेशन मुझे बड़ी पसंद है एजुकेशन के मुतलक वो ये है द प्रिंसिपल गोल ऑफ एजुकेशन